अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका और विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे आईटीआई अप्रेंटिस एचएएल कानपुर 2017 से 18 अप्लाई नाउ फुल डिटेल इन हिंदी। तो आप लोग समझ गए होंगे वीडियो देख के कि हम किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, एनसीपीटी टेट से जो होता है 1 साल और 2 साल के जो कोर्स होते हैं, तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया, जो स्टूडेंट कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद जो 1 साल की अप्रेंटिस होती है प्रैक्टिकल के तौर पे, जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं, सैलरी मिलती है और 1 साल की होती है, और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। तो ये ऑल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है एचईएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि कानपुर में है, लखनऊ में है और 2-3 जगह पर और है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। जो जो कि अभी की रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आपकी एचईएल कानपुर की आई हुई, जिसकी लास्ट डेट शायद 10 अक्टूबर है। थोड़ा मैं लेट हूँ वीडियो बनाने में, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक और दो दिन का समय है। अप्लाई आपको सिर्फ ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको फॉर्म भेजना है, वो आप भेज सकते हैं। तो चलिए आज आपको पूरा सिलेबस बताते हैं कि किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, और क्या क्या ट्रेड है इसमें, कौन कौन से ट्रेड वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल देंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि लोगों को पता चले आईटीआई के करने के बाद क्या उसके बेनिफिट हैं, वो भी आपको बताया जाएगा, और किस प्रकार के अप्रेंटिस आप किस किस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको सरकारी नौकरी मिलने में काफ़ी सुविधा हो, वो आपको सब बताएंगे। तो चलिए, मेरे पास नोटिफिकेशन आया हुआ है, जैसा कि ये आपका हिंदुस्तान परिवहन वायुयान विभाग हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कानपुर का है ये, इसके दिनांक 18/9 को ये पब्लिश हुआ था। तो देख लेते हैं, उम्मीदवारों के लिए पात्रता मापदंड, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार के पास निर्धारित अभियांत्रिकी गैर अभियांत्रिकी ट्रेड में क्राफ्टमैन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत एनसीबीटी प्रमाण पत्र होना चाहिए, निर्धारित ट्रेड की सूची के संकलन में कोई भी जो आपके पास जो में सूची दी गई नीचे अभी आपको दिखाते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। जो उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या किसी अन्य स्थान से इसी प्रकार का अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या अप्रेंटिस अधिनियम के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप पंजीकृत हैं, वे आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब या आपने पहले से आवेदन किया है या आप अप्रेंटिस कर सकते हैं और आप दोबारा करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपका एक ही बार पंजीकरण होगा, चाहे वो आप किसी भी मतलब कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं अप्रेंटिस के लिए, सिर्फ आप एक ही बार कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए अप्लाई ऑल इंडिया में। तो ये जरूर आपने ध्यान रखें, दोबारा आप अप्लाई करेंगे तो आपका वो कैंसिल कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है, 1 वर्ष या उससे अधिक का कार्यानुभव रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। तो ये भी आप लोग समझ लें। अब शैक्षणिक योग्यता देख लें, जिसमें कि आपकी ट्रेड आती है टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, हाई स्कूल के बाद विज्ञान गणित प्लस 10+2 पद्धति अथवा समकक्ष आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मशीनिस्ट वेल्डर हाई स्कूल अथवा समकक्ष, मशीनिस्ट ग्राइंडर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल हाई स्कूल, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान के गणित के साथ एलिमेंट्री गणित मान नहीं होगी। तो ये इन ट्रेडों के लिए ये आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल के साथ। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए हाई स्कूल विज्ञान अथवा समकक्ष होना चाहिए। कोपा यानी कि जो आपका कंप्यूटर का कोर्स होता है 1 साल का, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट को कहते हैं पासा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीपीटी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। तो ये आपकी ट्रेडें थी, अब इसको पूरे डिटेल में देख लेते हैं। पंजीकरण कार्यालय आपका ये है बंगलोर में, यहाँ पे आपको नहीं जाना, इसके लिए आप परेशान ना हो। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, प्रत्येक ट्रेड के लिए अर्थात परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों पर आधारित हाई स्कूल अंकों के लिए हाई स्कूल में आपके मिनिमम 70% अधिमानता एवं आईटीआई अंकों के लिए 30% अभिमानता, एक साझा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट से किया जाएगा।
तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे हाई स्कूल में आपके 70% मिनिमम नंबर होने चाहिए मेरिट के हिसाब से है। बाकी अगर आपके 60% भी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। मेरिट के आधार पे 70% हाई स्कूल में और 30% आपके आईटीआई के नंबर मिला के जो मेरिट तैयार की जाएगी उसके बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, कोई घूस नहीं लगनी है, सिर्फ आपका मेरिट बेस पे हाई स्कूल और आईटीआई के मेरिट की बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसमें अगर आपका नाम होता है तो आप प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद है आरक्षण अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार लागू होगा। चयनित उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण होगा और उन्हें कम से कम सहायक सर्जन राजपत्रित की रैंक के सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ घोषित किया जाना आवश्यक होना चाहिए। मतलब आपको मेडिकल टेस्ट का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, सरकारी अस्पताल में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको अपना चेकअप करा के वहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त करके आपको इसमें लगाना पड़ेगा। अगर आप अनफिट पाए जाएंगे तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं, आप इसके लिए भागीदार नहीं हो पाएंगे। उम्मीदवार को अपने निवास स्थान के पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करना होगा और निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट प्रतिवेदन करना होगा। उसके बाद इसमें आपको जो जहाँ भी आप रहते होंगे जिस ज़िले में जिस शहर में वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने में आपको जाके वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के इसमें सबमिट करना होगा। तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर है। आवेदन प्रारूप HL वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको जो आपका आवेदन फॉर्म होगा वो मिल जाएगा, वो भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों के निर्देशक ये क्या है आपके समान निर्देश, इसको देख लें। आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर अप्रेंटिसशिप के रूप में पंजीकरण कराएं और उस संख्या को आवेदन फार्म में अवश्य दर्शाएं, जो इसमें फॉर्म अभी नीचे दिया होगा उसमें दिखाते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे apprenticeship.government.in पे आपको आपका अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से इसको करते हैं रजिस्ट्रेशन, और इसको एक ही बार करें क्योंकि दोबारा आपका फिर कैंसिल हो जाएगा फॉर्म, आप दोनों फिर दोनों आपके फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो एक बार भरें, सही से फॉर्म भरें, वो आपको बता दिया जाए किस प्रकार से भरना है, वो हम लोग अलग टॉपिक बात करेंगे। तो इसको आपको इस पे इस लिंक पे जाके apprenticeship.government.in पे अपना पंजीकरण करना है। उसके बाद जो पंजीकरण नंबर मिलेगा उसको अपने इस HL कानपुर वाले फॉर्म में आपको भरना है। आवेदन संलग्न प्रारूप में निर्धारित अंतिम तिथि पर जिला सेवा योजन कार्यालय जहां आवेदनकर्ता ने पंजीकरण कराया है के माध्यम से या सीधे हिंदुस्तान आप टेक्नोलॉजी में आप जाके मतलब कानपुर में सीधे आप जाके वहां जमा कर सकते हैं या डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। उसका मूल प्रमाण पत्र या उनकी प्रति संलग्न ना करें। उम्मीदवार आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर अवश्य करें। अपूर्ण आवेदन पत्र या उम्मीदवार के हस्ताक्षर के बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखें आप लोग। चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए आवेदकों को कोई TA/DA यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये भी याद रखें आप लोग। शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदकों को इनकी सूची केवल TTI नोटिस बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। HAL कंपनी किसी पोर्टल विलंब गलत डिलीवरी या पोस्टल ट्रांजिशन में गुम हो जाने के कारण आवेदन पत्र प्राप्त न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षण अवधि के लिए एक शपथ पत्र का पालन करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार वित्तीय दिया जाएगा, यानी कि आपको वेतन भी मिलेगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अप्रेंटिसशिप करार को समाप्त कर दिया जाएगा और HAL कंपनी उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगी। तथ्यों को छुपाने के कारण चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारों का आयोग घोषित किया जा सकता है। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सत्यापन के दौरान निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे। तो ये है हाई स्कूल आपके अंकताल का ITI का प्रमाण पत्र, प्रोविजनल ट्रेड के बाद निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। उसका ये ट्रेड है और इनकी योग्यता एक एक वर्ष विटर टर्नर रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, ये सारे ट्रेड देख लें, बहुत टोटल 15 हैं। टोटल 15 ट्रेड है और ये इस तरह से फॉर्म है इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं और इसको प्रिंट करा के भर भी सकते हैं। तो जो जैसे मांगा गया है, जो ITI के स्टूडेंट है वो जानते होंगे फॉर्म में क्या क्या भरना है, वो अपने हिसाब से भर लेंगे। तो ये था आपका ITI का फॉर्म, लास्ट डेट आज है तो इसको ज़रूर भर दें। तो कोई अगर और जानकारी चाहते हैं, ये आपके नेक्स्ट के लिए काम आएगा, मैंने थोड़ा लेट होगा वीडियो बनाने में, तो ये नेक्स्ट के आपके लिए आवेदन के लिए काम आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर इस संबंध में कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं।